द्वाराहाट नगर पंचायत सभागार में आज अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय टमटा द्वाराहाट विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों भ्रमण करने के पश्चात द्वाराहाट पहुंचे, जहां नगर पंचायत के सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए उन्होंने आगामी संसदीय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करते हुए कहा कि आप सभी लोग प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी की नीति और रीति को घर घर जाकर लोगों को समझाएं और जो भी भाजपा सरकार जनता के हित के लिए कार्य कर रही है उन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में राज्य और केंद्र दोनों स्थानों पर बनी हुई है, जिनके माध्यम से विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं भ्रष्टाचार के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे और जो भी भ्रष्टाचारी अफसर या फिर हमारे कार्यकर्ता या कोई करता हुआ पाया गया तो उसको तुरंत दंड दिया जाएगा। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक द्वाराहाट, पलायन आयोग के सदस्य के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि द्वाराहाट विधानसभा में मासी चपुटिया होते हुए आज विभिन्न कार्यक्रमों में सहभाग करके पूरे सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में जो चुनाव लड़े अनिल शाही जी, सभी लोग हम उपस्थित होकर के आज बहुत सारे कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। और पिछले 6 महीने से लगातार नवंबर से लगभग पूरे प्रदेश के विधानसभा चुनाव के संयोजक के नाते से, प्रबंध समिति के नाते से एक ऐतिहासिक जीत उत्तराखंड राज्य के अंदर होगी और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ये जिम्मेदारी उच्च नेतृत्व ने मुझे दी और हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से और पार्टी के विभिन्न प्रकार के कामों से हमको ये सफलता प्राप्त हुई है। और इस सफलता के बाद हमको एक चुनाव और लड़ना पड़ा, वो चुनाव हमारा चंपावत का चुनाव रहा। और चंपावत का चुनाव में चूँकि हमने जो जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी को देखते हुए हम लोग 93% वोट से जीते, जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जिस प्रकार से मोदी जी के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के कामों को देख करके आम गरीब व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहता है और साथ में जो राष्ट्रभक्त हैं, जिस प्रकार से भारत माता की सेवा करने का लक्ष्य, इतनी विभिन्न कठिनाइयों के बाद भी, कहाँ कोरोना की बीमारी, गरीबों को किस प्रकार से सबको राशन देना, सबको टीकाकरण देना, सैनिकों का सम्मान करना।